हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीवी की मीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, आज तक मैं यही समझता रहा कि भाई ब्रो कोड सबसे ज्यादा तगड़ी एल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में आती है, सबसे तगड़ी वाइन कूलर है। जी हां, हम में से कई लोग अभी भी इसको बियर समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक वाइन कूलर है, वाइन बेस से ये बनती है। लेकिन भाई सब यही जानते हैं कि भाई एक पीने से इसमें तगड़ा नशा हो जाता है, क्योंकि इसमें 15% अल्कोहल है। लेकिन भाई आज जो मैं चीज आपके लिए लेके आया हूं, उसमें ब्रो कोड से भी ज्यादा नशा है। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं रियो स्ट्रॉन्ग, जो कि इंडिया की सबसे तगड़ी अल्कोहल स्ट्रेंथ वाली वाइन कूलर है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि इंडिया में वाइन कूलर की मार्केट काफी तेजी से बढ़ रही है, लोगों को काफी ज्यादा क्रेज है इसका। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, आजकल का जो यूथ है उसको ये पीने में काफी अच्छी लगती है। रीजन ये है, एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली है, 120 रुपए से लेके 200 रुपए तक आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप बियर लेने जाओ वो भी इसी रेट में आती है। बियर में 4% से लेके 5% या फिर 7.5-8% एल्कोसन मिलती है, लेकिन इसमें 12-13-14-15 इतनी तगड़ी एल्कोसन मिलती है। इस वजह से जो यूथ है या फिर जो कम पैसों में एक बढ़िया हाई लेना चाहते हैं, वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ब्रो कोड आपने देखी होगी, इंडिया में काफी बढ़िया काम कर रही है, 15% एल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है। लेकिन भाई मैं देख रहा हूं रियो स्ट्रॉन्ग में 15.5% एल्कोहल स्ट्रेंथ है। जी हां, ब्रो कोड से भी ज्यादा, 0.5% ज्यादा इसमें एल्कोहल स्ट्रेंथ हमें पीने के लिए मिलती है। ये भी एक वाइन कूलर है, एक पार्टी ड्रिंक है, जो कि इंडिया में बनाई जाती है, इंडियन प्रोडक्ट है ये। दोस्तों, रियो स्ट्रॉन्ग आती है महाराष्ट्र से, जिसको कंपनी बनाती है गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 330 ml का पाइंट है या फिर बॉटल आप कह सकते हो, जो कि एक डार्क कलर में आती है। और इसकी जो प्राइस रेंज है पंजाब में, ये 130 रुपए से लेके 150 रुपए की आपको बाजार में वाइन स्टोर्स पे मिल जाएगी। मुझे ये 150 रुपीज की जलंधर में मिली है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट जानते हैं। इसको बनाने के लिए ग्रेप जूस और शुगर का यूज किया गया है। तो भाई इसे आप बियर नहीं कह सकते, कई लोग इसे बियर समझ के पीते हैं। अभी भी मैं देखता हूं लोग इसे बियर ही कहते हैं, बियर ही समझते हैं, लेकिन भाई ये बियर नहीं है, ये एक वाइन की कैटेगरी में आ जाती है। चलिए इसको ओपन करते हैं और पोर करके देखते हैं कि ये पीने में कैसी लगती है। ऊपर काफी बढ़िया ये पुल कैप दिया गया है। वाओ, दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं, इसका कलर एक वाइन जैसा है, पिंकिश कलर है इसका। ब्रो कोड का कलर बिल्कुल एक बियर जैसा, एक विस्की के कलर जैसा हमें मिलता है, लेकिन इसमें हल्का सा आपको वाइन का कलर मिलेगा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। हल्की सी कार्बोनेशन आपको इसमें मिलेगी। चलिए करते हैं नोज। चीयर्स। नोज करने में थोड़ी सी स्वीट है ये, हल्की सी रोज का, हल्का सा ग्रेप्स का अरोमा इसमें से आ रहा है, हल्की सी स्ट्रॉबेरीज मुझे इसमें मिल रही है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। भाई वाह, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ब्रो कोड से ज्यादा एल्कोहल स्ट्रेंथ है इसमें, लेकिन भाई वो एल्कोहल की फील नहीं है। ब्रो कोड को जब भी हम पीते हैं तो ऐसे लगता है कि वो अल्कोहल हम पी रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा इफेक्ट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि ब्रो कोड अच्छी नहीं है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा स्वीटर साइड पे है, अल्कोहल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल स्ट्रेंथ ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें वो कड़वापन नहीं है। स्ट्रॉबेरीज का, ग्रेप्स का बहुत बढ़िया टेस्ट इसमें आ रहा है, बहुत बढ़िया अरोमा आ रहा है। मुझे लगता है कि टेस्ट में ये बहुत लाजवाब है, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और 150 में एक तगड़ी ड्रिंक है। अगर आप इसको एक बोतल या दो बोतल पी लोगे तो भाई आपका काम पूरा सेट होने वाला है, क्योंकि अल्कोहल परसेंटेज इसमें काफी ज्यादा हाई है, 15.5%। अगर आपने इसको पिया है
तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मेरी तरफ से वैल्यू फॉर मनी है, टेस्ट अच्छा है, अल्कोहल की फील नहीं आ रही, 150 रुपीस में मिल जा रही है, और क्या चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।